सत श्री अकाल जी, अभी साड़ी जॉब हैगी फिलेट वेल्ड कॉर्नर जॉइंट ऑन एम एस शीट 3 mm बाई ट्यूब ट्रांसफर हॉरीजेंटल प्लेन के ऊपर। ठीक है जी, उस तो बाद सा जॉब कॉर्नर जॉइंट की जॉब बनाना साढ़े को ऑपरेटर होने चाहिए। नंबर एक शेयरिंग मशीन, ठीक है, या हैंड एक्सा हो सकता। इस तो बाद स्टील रूल मेजर करने वास्ते किन्ने mm का पीस वढ़ना, फाइल कि फाइलिंग करने एज के किनारे की तैयारी करने वास्ते, प्राइस केयर उन्होंने गुणिए लैन वास्ते 90 degree एंगल से करने किनारे, वायर ब्रश की है, जो वैल्डिंग हो जाती वैल्डिंग के उपर जो भी है साफ पाई वास्ते असं यूज करते हैं, या प्लेट के उपर रस्ट वगैरह जमी होंगी है बिफोर वैल्डिंग, तो पहला रस्ट को उतारने वास्ते। चिपिंग हैमर, वैल्डिंग तो बाद जो असं चिपिंग करने चिप वगैरह लगे होंगे ने उन्होंने उतारने वास्ते। सेफ्टी ड्रेस, वैल्डिंग करते समय सेफ्टी ड्रेस पाना बहुत जरूरी है अपनी सेफ्टी वास्ते। हैंड स्क्रीन भी हो सकती है, हैलमेट भी हो सकती है। मिग वैल्डिंग सैट, डीसी मिग वैल्डिंग सैट यूज करांगे असीं कॉर्नर जॉइंट, फ्लैट टॉप करांगे यूज असीं जॉब नूं हीट गर्म जॉब नूं फड़न वास्ते। CO2 सिलेंडर गैस यूज करांगे असीं वैल्डिंग वास्ते, शील्डिंग गैस का यूज। मिग रोल जिहड़ा होएगा 0.8 mm का किया जाएगा वैल्डिंग वास्ते। हुण आ गया साडा इह जिहड़ा कॉर्नर जॉइंट का साइज हैगा 150 × 50 × 3 mm। ठीक है, ये बनावांगे असीं डिप ट्रांसफर नाल। हुण आ जांदा कि साडा अगला टॉपिक डिप ट्रांसफर की है। सब तो पहला जिहड़ी साडे इलैक्ट्रोड आ वह जॉब के नाल कॉन्टैक्ट में आता, जो ये स्टेज एक आता, जो दूजी स्टेज में जाता तो जॉब के नाल कॉन्टैक्ट करन तो बाद हीट प्रोड्यूस करता, जो हीट प्रोड्यूस करता फिर जाता तीजी स्टेज में। हीट प्रोड्यूस होने तो बाद यह साडा इलैक्ट्रोड मेल्ट होंदा, मेल्ट हो के अपने वेट के नाल उपर की होता जॉब दे डिग जाता। ठीक है जी, अपने उत्ते जम जाता। चौथी स्टेज में की हो जाता, यह जो इन इलैक्ट्रोड छड़ दिंदा तो यह फ्लैट हो जाता, फ्लैट हो के तो उपर जम जाता। तो साडा हुण असीं इस डिप ट्रांसफर के नाल असीं जॉब बनावांगे। ठीक है जी, तो यह साइज प्रोपर लैके असीं हुण वर्कशॉप कॉर्नर जॉइंट वास्ते सी ये ब्लैक लेंथ लई, ते इनू टोटल 300 mm 150 का एक पीस ते 150 का दूसरा पीस कट लवांगे। ये दो पीस ही कट ले 150 × 150 mm दे कॉर्नर जॉइंट वास्ते। हुण असीं किनारियां दी ग्राइंडिंग करांगे, जां किनारे तैयार करन तो बाद असीं इसदा टैग करांगे कॉर्नर जॉइंट। जॉब करने सब तो पहला जॉब तैयार करने तो सब तो पहला की करना, मशीन साफ करना, मशीन साफ करके ये जिन्ने कनैक्टर सारे देख लेना कि टाइट हैं कि नहीं, उस तो बाद ये मशीन ऑन किया। मशीन ऑन किया तो ये जी वोल्टेज है आर्क वोल्टेज वही 19 to 20 सैट कर ली, तो अंपेयर कर ले 90 to 100 की रेंज ही सैट कर ली। सैट करने तो बाद असी ये जी गैस ऑन की, गैस ऑन करने तो बाद असी यदा जोड़ा फ्लो मीटर है गैस का वो रखिया 9 to 10 LPM। ये मीटर दो केबल ये वाली जी है टॉर्च वाली, टॉर्च तार रूट कर दी, ये वाली अर्थ वाली टाइट की, अर्थ कलंप लगाकर नाल बेंच दें असी आग सफाई कर। Okay.